ट्रांजेक्शन विद अ पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट अमाउंट, यानी कि समझो आपकी ट्रांजेक्शन थी 10,000 डॉलर की, जिसका अगर हम इंडिया की करेंसी में करें 82 होता है, विच वॉज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 8,20,000, इतना आपको अमाउंट आने वाला था। इसके बदले में अभी जो फॉरेन एक्सचेंज का हो गया रेट वो है 81, तो आपको आएगा भी 81 लैक्स। इससे बेटर आपने क्या किया, आपने हेजिंग ये कॉन्सेप्ट किया यूज, और आपने 81.5 को किया बेस्ट, अपना एक ये रखा बेस रखा कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सिक्योर कर लिया। तो अब चाहे आपका 83 हो, यानी कि आपका प्रॉफिट हो रहा था वैसे कायदे से एक 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 का, लेकिन यहाँ पे चाहे आपका 81 का हो, यानी कि आपका एक का लॉस हो रहा था यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 10,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा। अगर हम इसी 10,000 को रख के चले, मद्देनजर रख के चले, तो 81 लाख का, और यहाँ पे हो जाएगा 83 लाख का, है ना। तो आपको मिलना मिला आपको 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 मिलने वाला था 82 लाख, लेकिन अभी फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो गया 83 या 81, जो भी आपको 83 लाख या 81 लाख मिलने वाला था, उससे बेस्ट आपने किया। अब आपको उस चीज का कुछ अंदाजा था नहीं, तो आपने किया हेज। हेजिंग में आपने बीच का रास्ता चुना, आपने 81.5 यानी कि 8,15,000 को बेस रखा, 15,000 सॉरी, आपने इस अमाउंट को फिक्स कर दिया। अब भले ही आपका लॉस हो रहा है, लेकिन आपका लॉस 10,000 का नहीं हो रहा है, अब आपका खाली 5,000 का लॉस हो रहा है, जो आप शायद बेयर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इसी मायने में समझो 83 होता, तो आपको 10,000 का फ्री मनी मिलता, लेकिन वो आपने किया नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेजिंग। भी हेजिंग जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन दो 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 वेज के होते हैं। एक होता है रिसीट ट्रांजेक्शन, कि आपको पैसा आने वाला है, और दूसरा होता है पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिसीट एंड दूसरा होता है पेमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब हेजिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम फॉरेन एक्सचेंज के कायदे से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो अगर हमें फॉरेन में किसी अमाउंट को पे करना है टू अ गिवन पर्टिकुलर पर्सन, से हमें हमने वहां से गुड्स मंगाए हैं, सप्लायर को हमें पे करना है अमाउंट इन देयर करेंसी, तो अब हमें इन देयर करेंसी में पे करने के लिए हमको उनकी करेंसी की जरूरत है। अभी हम ACCA पढ़ते हैं, तो हम यूके में है, यूके में चलता है पाउंड्स, ठीक है। तो अब हमारे पास पाउंड्स या स्टर्लिंग बेसिकली चलता है। इंडिया में है तो फिर वही चीज़, आप पैसे या फिर रुपीज के मामले में आप तो कर सकते हैं, यूएसए में है तो डॉलर, कनाडा में है तो कैनेडियन डॉलर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम बैठे हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, हमारे पास है पाउंड्स। लेट्स अज्यूम कि हमें पे करना है एक बंदा जो बैठा है अमेरिका में, और हमें अमेरिका में बैठे हुए बंदे को पे करना है, तो हम पे करेंगे डॉलर्स में, ठीक है। तो हमारे पास डॉलर्स है नहीं, हमारे पास क्या है, पाउंड्स है। मैं यूके में बैठा हूँ, मेरे पास अभी के लिए सिर्फ पाउंड्स है, लेकिन मेरे को पेमेंट जो करना है ना, वो पेमेंट मुझे करना है डॉलर्स में। तो अब मुझे पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली बात। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो ECCA ने हमें स्टेप्स दिए हुए, हम सबसे पहले वो समझ के लेते हैं। हम सीख रहे हैं पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट में जो लेट्स अज्यूम करके करके चलते हैं कि हमें 10,000 डॉलर पे करने थे, हमें 10,000 डॉलर पे करने थे। अच्छा, अभी ये जो हमें 10,000 डॉलर पे करने हैं, ये हम शायद अज्यूम करके चलते हैं कि हम ये 6 महीने बाद पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट एक खोल के रखेंगे अमेरिका में, जहां पे हम ये 10,000 डॉलर कहीं से, तो प्लीज टर्म दिस राइट, कहीं से तो ये 10,000 डॉलर अरेंज करके
अमेरिका के एक बैंक अकाउंट में डाल देंगे, और फिर यही चीज आगे बढ़ती जाएगी, और 6 महीने बाद हम इसी अमाउंट को पे कर देंगे। अच्छा, अब हमें पे करने हैं 10,000 रुपीज, सॉरी डॉलर्स, राइट? हमें पे करने हैं 10,000 डॉलर्स, मैं ऐसे देता हूँ। तो अगर हमें से 6 महीने बाद 10,000 डॉलर्स को पे करना है, तो हम आज की डेट में 10,000 डॉलर को बैंक में डालेंगे? आंसर इज नो। हम आज की डेट में शायद डालेंगे 9,800, शायद डालेंगे 9,700, शायद डालेंगे 9,500। हम जो भी अमाउंट डालेंगे, इनमें से हम कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं जो कि 6 महीने बाद जाकर एग्जैक्ट 10,000 बने। नॉट एग्जैक्ट, बट लाइक अगर 1-2 डॉलर का इधर उधर इज ओके, बट कहीं ना कहीं 10,000 के क्लोज जाके पहुंचे। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते? अगर हम 10,000 डॉलर डालते, हमें से मिलता 10,500, तो ऊपर का 500 हम वापस एक बार यूके में लेके आ सकते थे। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं हेजिंग। अगर हम हेजिंग कर रहे हैं, तो हमें उतने ही पैसे बैंक अकाउंट में डालने हैं जो कि 6 महीने बाद, जो कि 6 महीने बाद हमें पे करने हैं। तो हमें ऐसा क्यों करना है कि हमें सिर्फ 9,500 डालना है जो 6 महीने बाद जाके 10,000 बने? इसलिए क्योंकि ये 9,500 जो हमें पे करना है, जो हमें बैंक में करना है डिपॉजिट अमेरिका के, वो अरेंज करने के लिए ही हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने अभी बोला था ना कि कहीं से तो अरेंज करने हैं, वो कहीं से तो का कॉन्सेप्ट अब आता है। हमें ये 9,500 अरेंज करते करते ही वांदे लगने वाले हैं, हमारे थोड़े से प्रॉब्लम्स होने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें 10,000 डॉलर्स पे करने इन गिवन बैंक अकाउंट इन द यूएसए। अभी हाँ, सबसे पहली बात तो 10,000 डॉलर इन 6 मंथ्स, लेट्स से कि हमें ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद आता है फिगर 9,500। इसमें कैलकुलेशंस आते हैं, आई विल टीच यू दैट लेटर। लेकिन सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि 6 महीने पहले हमें 9,500 डालने पड़ेंगे, जिसके कारण वश ये 10,000 बनता है आगे जाके 9,500 डॉलर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 9,500 डॉलर्स को हमें एक स्पॉट रेट दिया जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ कि हम ये जो कहीं से तो अरेंज कर रहे हैं ये पैसे, ये कहीं से तो कौन से रेट पे चल रहे हैं और कहाँ से हम ये अरेंज कर रहे हैं। द आंसर इज बैंक से। हम क्या करेंगे, हम हमारा स्टर्लिंग, ये हम हमारे पास फिलहाल के लिए स्टर्लिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा स्टर्लिंग बैंक को देंगे, बैंक हमें उसके बदले देगा डॉलर। बैंक विल सेल अस द डॉलर, ठीक है? बैंक हमें डॉलर सेल करेगा, जिसके बदले में हम बैंक को हमारे स्टर्लिंग्स देंगे। जब बैंक हमें डॉलर सेल करेगा, तो हमारे पास तो डॉलर्स आ गए, अब यही डॉलर्स को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कहीं से तो जो हम 9,500 अरेंज कर रहे थे ना, ये हम कर रहे थे हमारी यूके वाली बैंक से 9,500 अरेंज। हमारी यूके, आई जस्ट सेड अगेन, हमारी यूके वाली बैंक को हमने पाउंड्स दिए, उन्होंने हमें दिए डॉलर्स, जो डॉलर्स हमने यूएसए के बैंक में जाके किए डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये अमाउंट जाके फ्यूचर में 10,000 का बन जाए और हम अपने जैसे पेबल्स को पे करें, ट्रेड पेबल्स बोलो, ट्रेडर्स बोलो, जो भी सप्लायर वगैरह वगैरह। ये जो बैंक है, ये बेसिकली दो रेट्स पे चलती है, एक है बाय, दूसरा है सेल। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, बैंक वर्क्स ऑन टू कॉन्सेप्ट्स, टू कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड बाय एंड सेल। ठीक है, बेसिकली अब हम हमें दिया जाएगा एक रेट जिसका नाम है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब है कि उस दिन पे इन डॉलर्स की वैल्यू पाउंड्स में कितनी थी, इन पाउंड्स की वैल्यू सेम फ्लिप डॉलर्स में कितनी थी।
जैसे कि समझो अज्यूम करके चलते हैं कि ये 9,500 जो हमें डॉलर्स चाहिए तो हमने बैंक को दिए कितने होंगे, तो हमें ऐसा दिया जाएगा कि 1 pound इज इक्वल टू से 1.5, तो ये हो गया डॉलर 9,500, 1.5 है तो डॉलर 1.5, तो अभी हमें आंसर कितना आता है, तो 9,500 डिवाइड बाय 1.5 क्या आता है, 6,333.33। तो बेसिकली हमारे पास इतने स्टर्लिंग्स थे, हमने 6,333.33 स्टर्लिंग्स या पाउंड्स दिए बैंक को, जिसके बैंक ने हमें 9,500 डॉलर्स दिए और वो हमने जाके बैंक में किए डिपॉजिट यूएसए के। अब बैंक वो करता है दो कॉन्सेप्ट पे, जैसे मैंने बताया था बाय एंड सेल। हमें ACCA के क्वेश्चन में भी ऐसे ही दो रेट्स दिए जाएंगे स्पॉट रेट के, बाय एंड सेल वाला। हमेशा ये याद रखना है कि जो हाईएस्ट है वो बाय है, जो लोएस्ट है वो सेल है, क्योंकि बैंक हमेशा हाई पे बाय करता है और हमेशा लो पे सेल करता है, ठीक है। जो बीच का मार्जिन रहता है दैट इज द बैंक्स प्रॉफिट। इसके बारे में एक नया जब हम सम करेंगे हम फिर से एक बार बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखे चलना कि बैंक विल बाय एट हाई, बैंक विल सेल एट लो। अब बैंक एक्चुअली कर क्या रहा है, बैंक को हमने स्टर्लिंग दिए, मैंने यहाँ पे स्टीलिंग लगाया सॉरी, बैंक को हमने स्टर्लिंग दिए, बैंक ने हमें डॉलर सेल किए, हमें फॉरेन करेंसी सेल करती है बैंक, तो हमें फॉरेन करेंसी के साथ बैंक क्या करती है ये याद रखना है बार बार। तो ये लोअर रेट होगा 1.5, लेट्स अज्यूम कि हायर रेट था 1.6, लेकिन मैंने स्लिप किया 1.5, क्यों, क्योंकि बैंक ऑलवेज सेल्स एट लो। तो हमारे पास इतने स्टर्लिंग्स थे। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है और ये थर्ड स्टेप है और ये सबसे लास्ट स्टेप है। यहाँ तक शायद अगर आप अपने स्टोरी को की है मेरा मतलब कंटिन्यू की है तो आपको लास्ट स्टेप समझ में आनी चाहिए कि क्या है। हमने जो बैंक से 6,333.33 लिए है, ये हमने कहीं ना कहीं लोन पे लिए, वी हैव टू पे देम बैक बेसिकली, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। अब ये जो हमें पे बैक करने हैं इसके ऊपर हमें चार्ज होता है इंटरेस्ट, ठीक है। दो रेट्स, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, बोरोइंग रेट एंड डिपॉजिट रेट। हमने ये वाला, अभी हम यूएसए वाली बैंक में क्या कर रहे हैं, हम यूएसए वाली बैंक में कर रहे हैं डिपॉजिट, और हम यूके वाली बैंक से क्या कर रहे हैं विड्रॉ या बोरोइंग। ठीक है, हम यूके वाली बैंक से ये अमाउंट बोरो कर रहे हैं ताकि हम हमारे सप्लायर को आगे चल के पे कर पाए, यू हैव फॉलोड दैट स्टोरी थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। अब हम ये जो बोरो कर रहे हैं ये इसके ऊपर, ये एक तरीके से हमारा है लोन, लोन लोन इसको पकड़ लीजिए। तो अब ये जो हमारा स्टर्लिंग है ये हमारा चल रहा है कहीं ना कहीं बोरोइंग के रेट पे, नहीं अपने ओवरड्राफ्ट पे या इस पे लोन पे, उसके ऊपर चार्ज होगा इंटरेस्ट, समझिए वो इंटरेस्ट है 10% का फॉर 3 months। तो अभी दिस इनटू 3 माई 12 आता है 108। तो हमें जब पैसे वापस मिलेंगे से हमारे कहीं से भी, हमें वो पैसे वापस मिल सकते हैं हमारे रिसीवेबल से या कहीं से भी, या जब भी कभी हमें वो पैसे वापस मिलेंगे विल पे बैंक देयर अमाउंट बैक, ठीक है। तो ये है हमारे 3 स्टेप्स, 3 में, और यही इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं इन थियोरी, हम एक बार पढ़ लेते हैं चाहिए तो। हेजिंग अ पेमेंट, इफ यू आर हेजिंग अ फ्यूचर पेमेंट बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी अमाउंट टुडे एट द स्पॉट रेट, दिस इज इन इफेक्ट एन इमीडिएट पेमेंट इन स्टर्लिंग, बैंक को पेमेंट किया इमीडिएट पेमेंट इन स्टर्लिंग, एंड मे इन्वॉल्व बोरोइंग फंड्स टू पे अर्लियर दैन द सेटलमेंट डेट। हमें पे करना है ऑन अ फ्यूचर डेट, लेकिन हम पहले से ही बैंक में वो इंटरेस्ट जाके जमा कर, बेसिकली हम वो अमाउंट यूएसए के बैंक में जाके कर रहे हैं जमा, इसीलिए इन्होंने बोला है कि अर्लियर दैन द सेटलमेंट डेट। फॉरेन करेंसी परचेज इज प्लेस्ड एंड डिपॉजिट एंड एक्रूज इंटरेस्ट अंटिल द ट्रांजेक्शन डेट,
दैट द डिपॉजिट इज देन यूज्ड टू मेक द फॉरेन करेंसी पेमेंट. ये जो हमने किया था डिपॉजिट, ये आगे चल के 9,500 का, ये आगे चल के 10,000 बन जाएगा और ये हम पे कर देंगे. यही इन्होंने यहाँ पे मतलब ऐसा मोटा मोटी बताया हुआ है. डिवाइड द फॉर नेक्स्ट, ये जो है ना तीन स्टेप्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है और यही मैंने अभी जस्ट बताए भी थे. तीन स्टेप्स, डिवाइड द फॉरेन करेंसी पेमेंट अमाउंट बाय 1 प्लस फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट. क्यों? क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना यूएसए के बैंक में, इसीलिए हमें डिवाइड करना है 1 बाय द डिपॉजिट रेट फॉर द टाइम पीरियड इन क्वेश्चन. वो दिया हुआ है टाइम पीरियड इन क्वेश्चन, वो हम अभी सॉल्व करेंगे. टेक द फिगर कैलकुलेटेड एंड ट्रांसलेटेड टू होम करेंसी एट द स्पॉट रेट, डिटरमाइन करने के लिए कि भाई हमने कितने पाउंड दिए रहेंगे टू अरेंज दैट मनी. टेक द फिगर कैलकुलेटेड एंड मल्टीप्लाई इट, टेक द फिगर कैलकुलेटेड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस होम करेंसी बोरोइंग रेट फॉर द टाइम पीरियड इन द क्वेश्चन. तो यही थे वो स्टेप जो मैंने भी बताया था और ये उसके ऊपर का एक सम है, वो हम अभी सॉल्व करते हैं. उसके पहले एक डाउट बहुत सारे लोगों को आता है कि अगर, जैसे कि ये डाउट जनरली बहुत लोगों को आता है कि हम तो एक्सचेंज कहते हैं ना करेंसी, तो ये लोन की बात कहाँ से आ गई? तो इस क्वेश्चन के लिए ना द आंसर इज वेरी सिंपल. द आंसर इज कि हम कोई रियल करेंसी का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ही ले रहे हैं, हम बैंक से एक तरीके का लोन ही ले रहे हैं. लेकिन लेकिन हम बैंक से डॉलर्स ले रहे हैं, हम बैंक से डॉलर्स बाय कर रहे हैं, राइट? सो बैंक हमें जो डॉलर्स दे रहा है वो हमें कहीं ना कहीं बैंक को वापस देने हैं, बट इन टर्म्स ऑफ स्टर्लिंग. जैसे कि बैंक ने हमें 9,500 ही दिए, बैंक ने हमें 9,500 डॉलर्स ही दिए, लेकिन बैंक ने क्या बोला कि जब भी कभी आप हमें पे करेंगे अमाउंट, तो आपको हमें 9,500 डॉलर्स पे नहीं करने हैं. You have to pay us 9,500 divided by 1.5 which is 6333.33 plus the interest rate जो हमें यहाँ पे अभी निकला 10%. So हमें bank को एक period के बाद जो हमने dollars लिए थे bank से वो हमें sterling में फिर से वापस देने along with interest, क्योंकि वो एक तरीके का हमारा था loan. The concept is as simple as that. ठीक है, अभी सम कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक वी हैव डिलेड क्वाइट अ बिट. आई थिंक अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो सम से सॉल्व हो जाते हैं यूजुअली. ये होता है पहला क्वेश्चन. ठीक है, ठाकुर कंपनी यूके कंपनी मस्ट मेक पेमेंट ऑफ $4,50,000 इन 3 months टाइम. द कंपनी ट्रेजरर हैज डिटरमाइंड द फॉलोइंग स्पॉट रेट, 3 months फॉरवर्ड रेट, 6 months फॉरवर्ड रेट. तो ये 3 months फॉरवर्ड रेट का सम है, तो हमें 3 months का फॉरवर्ड रेट ही चाहिए. हमें 6 months का ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. लेट्स कट दैट आउट. डिसाइड वेदर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज और मनी मार्केट हेज शुड बी अंडरटेकन. सो ये जो हमने इतना पूरा स्टोरी बताई मैंने इतनी सारी, दिस इज बेसिकली मनी मार्केट का हेजिंग. फॉरवर्ड मार्केट हेजिंग इज वेरी सिंपल, आई विल एक्सप्लेन यू दैट एट द लास्ट. सबसे पहले हम मनी मार्केट हेजिंग कर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी जस्ट वही से कहा है. सो या मनी मार्केट हेज यस. सबसे पहले ठाकुर कंपनी अ यूके कंपनी मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ $4,50,000 इन हमें करना है $4,50,000 का पेमेंट इन 3 months टाइम. हमारी स्टोरी कैसी जाती है गाइस? सबसे पहले तो ये याद रखना, हमें पे करना है या हमें पैसा मिलने वाला है. पे करना है या हमको खुद को पैसा मिलने वाला है, हमें करना है पे. पर हमें पे करना है किसी यूएस के कंपनी को, हम हैं एक यूके की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, और हमें पे करना है अमेरिका में. तो हम क्या करेंगे, हम यूएसए में एक बैंक
अकाउंट खोलेंगे और उसमें एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी डाल के रखेंगे जो 3 महीने बाद जाके 4,50,000 एग्जैक्ट बनेगा। हम क्यों 4,50,000 का 50 नहीं डाल रहे हैं? बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? अदरवाइज गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड और फिर से एक बार देख लो मेरा वीडियो, ठीक है? तो इन द फर्स्ट स्टेप हमें कन्वर्ट करना है डॉलर को टुडेज वैल्यू दैट विल बी 4,50,000 इन द फ्यूचर। अब वो हम कैसे करेंगे? पहले हमें 4,50,000 को करना पड़ेगा डिवाइड। डिवाइड बाय व्हाट? पहले तो हम कहाँ पे बैंक अकाउंट खोल रहे हैं? यूएसए में 6.55। अच्छा, हम जो यूएसए में बैंक अकाउंट खोल रहे हैं वहां से हम मतलब बोरो करने वाले हैं कि डिपॉजिट? द आंसर इज डिपॉजिट। अगर हम डिपॉजिट करने वाले हैं तो हमारा रेट चलता है 5.5% का, 5% का रेट चलता है। लेकिन किंतु 5% का, लेकिन हमें ये एनुअली, मुझे लगता है ना ये, हाँ ये देखो एनुअल रेट्स ये हुआ, एनुअल रेट ये यूजुअली एनुअल रेट्स ही रहता है। हमको इसको 3 महीने में कन्वर्ट करके लेके आना पड़ता है। 3 मंथ्स में मैंने कन्वर्ट किया, आंसर इज 1.25। तो देख देता हूँ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 3 मंथ्स, द आंसर इज 1.25। मतलब जो ऊपर आया मैं वो मैं उसी उसी को 5% में लिख रहा हूँ। ओ वाह, 1.25, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या दिया था स्टेप्स में कि हमें जब डिवाइड करना है हमें 1 प्लस द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, 1 प्लस ही करना पड़ता है। अगर अपन सिर्फ 1 से करेंगे तो आंसर 4,50,000 ही आएगा, और अगर सिर्फ 0.0125 से करेंगे तो आंसर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, शायद 4 करोड़ तक भी जा सकता है। सो हमें 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ द मैथमेटिकल रूल। 4,50,000 डिवाइड बाय 1.0125, 4.5 टाइम्स 4.4। तो हमें इतना अमाउंट आज के तारीख में बैंक में डालना पड़ेगा यूएस वाली। लेकिन हम इसको अरेंज कैसे करेंगे? ये आता है हमारा सेकंड स्टेप। हम क्या करेंगे? हम करेंगे हमारी यूके वाली बैंक से पैसा बोरो। जब हम बोरो करेंगे तो बैंक हमें बाय बाय करेगी कि सेल करेगी? द आंसर इज सेल करेगी। तो हमें बैंक इतना अमाउंट डिवाइड बाय 1.7 सेल करेगी, द आंसर इज 2,61,400। जो भी बैंक हमें इतना अमाउंट, हमें इतने स्टर्लिंग्स बैंक बेसिकली देने पड़ेंगे इन द फ्यूचर सो दैट वी कैन गेट अवर 4,44,44 डॉलर्स, ठीक है? अभी ये देखना, टेक द फिगर कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस होम करेंसी रेट फॉर टाइम पीरियड इन द क्वेश्चन। हम हमारी यूके वाली फॉर्म से पैसा बोरो कर रहे थे कि डिपॉजिट? द आंसर इज बोरो। अगेन फॉर 3 मंथ्स कर रहे थे बोरो, तो ये मैंने यहीं पे किया कॉपी पेस्ट। 1 ईयर के लिए आता है 7.5, आंसर यहाँ पे आता है 1.875%। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इतने स्टर्लिंग्स चाहिए थे, इसके ऊपर का हमें इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ेगा? 1.01875। नहीं, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, तो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ मल्टीप्लाई। सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लास्ट स्टेप में हमेशा मल्टीप्लाई होगा। चांसेस 2,66,339.9, मतलब 2,66,340। मैं एक बार यहाँ पे बुक में फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। टू सिक्स सिक्स थ्री फोर जीरो टू सिक्स भाई कंट्रोल जी 2,66,340, 2,66,39, परफेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया करेक्ट। ये हो गया हमारा पेमेंट, नहीं बात की पेमेंट की। अब हम बात करते हैं हेजिंग की।
में हेजिंग, हेजिंग अ रिसीट, हमने पहले किया था हेजिंग अ पेमेंट, अब हम करेंगे हेजिंग अ रिसीट। रिसीट माने अब हमें पैसा आ रहा है, जब हमें पैसा आ रहा होता है तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, बस उसका उल्टा करेंगे। इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने एक बात बोली थी कि हम लोन ले रहे हैं बैंक से विद इंटरेस्ट जो हमें पे करना है, और वो पे करने के लिए हमें रिसीवेबल से पैसा आना चाहिए। सो पेमेंट का लास्ट स्टेप इस कहीं ना कहीं रिसीट का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अब इफ वी सी, लेट्स गो डाउन इन द क्वेश्चन। देखना, हमने पहले पे क्या किया था, हमने बैंक में किया था डिपॉजिट, यहाँ पे हम कर रहे हैं बोरो। हम फॉरेन की फॉर्म से पैसा कर रहे हैं बोरो, नहीं किया था डिवाइड बाय स्पॉट रेट। व्हाई? बिकॉज बैंक विल सेल अस, बराबर है। अब यहाँ पे हमें फॉरेन से पैसा आ रहा है, हमें फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो हमें फॉरेन से पैसा कौन से करेंसी में आ रहा होगा? डॉलर्स में। मैंने क्या बोला था, जब हम बैंक का स्पॉट रेट देखेंगे तो हमें बैंक का स्पॉट रेट विथ रेफरेंस टू डॉलर्स या फॉरेन करेंसी में देखना है। जब हमको डॉलर्स मिलेंगे, इंग्लैंड में तो वो कुछ काम के हैं नहीं, तो हम वो बैंक को देंगे और बैंक हमें स्टर्लिंग्स देगा। मैंने क्या बताया, बैंक स्पॉट रेट एंड फॉरेन करेंसी। तो अब बैंक क्या कर रहा है फॉरेन करेंसी के साथ? बैंक कर रहा है फॉरेन करेंसी को बाय हमसे, बैंक हमसे फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है, हमें वो स्टर्लिंग्स दे रहा है ताकि हम यूके में सर्वाइव कर पाए। हमें किसी दूसरे, हमारे कस्टमर ने पे किया था डॉलर्स में, इसलिए अब हमें उसे स्टर्लिंग में कन्वर्ट करना है। एंड बैंक वॉज द इंटरमीडियरी जिसके थ्रू हमने वो कन्वर्जन मारा, ठीक है। बैंक ने हमें बाय, तो बैंक ने हमसे सारे डॉलर्स परचेज किए, बाय किए। बैंक विल बाय एट हाई एंड सेल एट लो, ठीक है। तो बाय विल हाई, तो मतलब अभी हम जो जो भी करेंगे डिवाइड, वो हम करेंगे लोअर वैल्यू से। लास्ट स्टेप जो आती है, लास्ट स्टेप इज अगेन वेरी सिमिलर। हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे विथ, नॉट विथ द बोरोइंग रेट दिस टाइम, बट विद द डिपॉजिट रेट, कि हमें वो पैसा करना है डिपॉजिट एन आर बैंक। ओके, सो अच्छा, बैंक में हमें हमारे पैसा क्यों करना है डिपॉजिट? पहली बात तो क्योंकि हमारे पास पेमेंट वाले बैंक का लोन है, हमने यहाँ पे एक लोन लिया हुआ था ना, लोन विद इंटरेस्ट का गया हुआ। यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने एक लोन विद इंटरेस्ट लिया हुआ था, अब हम वो लोन को कन्वर्ट मारेंगे ताकि हमारा ये जो लोन हमने लिया था वो एक पेड ऑफ हो जाए। हमें आया था, मैं एक बार फिर से बेस्ट स्टोरी बता देता हूँ रिसीट की। आई नो, मैं फिर मैं ये बार बार कर रहा हूँ कि चीज रिपीट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट इज जनरली थोड़ा सा ट्रिकी, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं बार बार सेम स्टोरी को एक लाइन बाय लाइन लेके जा रहा हूँ। हमें फॉरेन कस्टमर से पैसा आया डॉलर्स में, हमने हमारी बैंक को दिया, बैंक ने कन्वर्ट मार के हमको दिया, बैंक विल बाय एट है, बैंक ने हमसे डॉलर्स परचेज किए हमारे जो हमें मिले थे, एंड हमें दिया स्टर्लिंग। स्टर्लिंग्स को हमने हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट में डाला जिसके ऊपर लोन का कर्जा ऑलरेडी था जो हमने पेमेंट के टाइम पे लिया हुआ था, तो वो पेड ऑफ हो गया, सेट ऑफ। ये खाली वो स्टेप है, दिस वॉज द होल समरी। अब इसके आगे मैं समरी बताऊंगा नहीं, तो क्योंकि आई नो काफी बोरिंग हो गया होगा विद रिपीटिंग। तो ये स्टेप्स फिर से वही है, डिवाइड द फॉरेन करेंसी रिसीट अमाउंट बाय 1 प्लस फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट फॉर द टाइम पीरियड इन क्वेश्चन। तो कई बार क्या हो जाता है ना, हमें हमारा वर्किंग कैपिटल फंड करना पड़ता है स्टेइंग इन यूके, चाहे वर्किंग कैपिटल बोलो या हमें हमारे पेमेंट्स भी कई बार करने पड़ते हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स को हो जाए जो हमारे मतलब यूके में है वो। यहाँ पे हम बोरोइंग रेट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अब हम ना फॉरन वाली करेंसी में डॉलर से, कई बार हमें हमारे कस्टमर्स ने नहीं पे करते ऑन टाइम, कई बार एज्ड रिसीवेबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाए, पता है, तो कई बार हमें हमारे कस्टमर्स पे नहीं करते टाइम पे,
तो हम क्या करते हैं, हम जिस बैंक में हमने ऑलरेडी अकाउंट ओपन किया हुआ था वहीं से हम एक लोन ले लेते हैं, वहीं से हम एक लोन ले लेते हैं और हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। स्पॉट रेट हो गया, डिपॉजिट हो गया, सेम चीज। सी चाहे कस्टमर हमें पैसा दे डॉलर्स में या हमें किसी फॉरेन हमारी जो यूएसए बैंक है उससे पैसा आए, वो पैसा आने के बाद तो हमें बैंक में देना ही है ना, इन ऑर्डर टू गेट इट कन्वर्टेड। बस वही है, तो डिवाइड द फॉरेन करेंसी रिसीड अमाउंट बाय 1 + फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट, क्योंकि हमने बोरो किया था बैंक से, टेक द स्पॉट रेट एंड फंड का, बाकी सब तो सेम ही है। इसका डायरेक्टली सम कर लेते हैं सो दैट वी गेट द हैंग ऑफ इट। ये वाला सम करेंगे, ये वाला सम करेंगे, लेट्स डू वन थिंग। अभी ये वाला सम करते हैं एनी कंपनी का, ये वाला को ट्राई कर लेना एडिशनल क्वेश्चन, एंड ये वाला भी को ट्राई कर लेना। एक लास्ट एडिशनल क्वेश्चन करते हैं, एनी कंपनी, एनी कंपनी इज नाउ टू रिसीव US$4 लाख इन 3 मंथ्स टाइम। सेम 3 मंथ्स का दिया हुआ है जैसा हमें पहले भी दिया हुआ था। द कंपनी ट्रेजरर हैज डिटरमाइंड द फॉलोइंग, स्पॉट रेट दिया हुआ है, 3 मंथ्स का दिए भी दिया हुआ है। ओ आई जस्ट रियलाइज कि मैंने ना पिछले समय में मनी मार्केट हेज तो करवा दिया था, फॉरवर्ड मार्केट हेज नहीं किया था, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज नहीं किया था। वी विल डू दैट इन, हम दोनों क्वेश्चन के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज एक बार कर लेंगे। यूएसए में 4 लाख में कम करना, ठीक है, मैं यूएसए से 4 लाख आने वाले थे, हमें आने वाले थे पैसे, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इज नाउ टू रिसीव 4 लाख इन 3 मंथ्स टाइम, हमें वो पैसे 3 महीने में आने वाले थे। एनी कंपनी इज नाउ टू रिसीव 4 लाख इन 3 मंथ्स टाइम, हमें 3 महीने में 4 लाख आने वाले हैं, लेकिन लेकिन हमें यूके में हमारा वर्किंग कैपिटल फंड करना है, हमारे पास पैसों की अज्यूम करके चलते कि शायद शॉर्टेज है, तो हमने बोरो कर लिया बैंक से, हमने बोरो कर लिया बैंक से 4 लाख ना, $4 लाख है। अभी हम क्या करेंगे, हम यूएसए का बोरोइंग रेट लेंगे, यूएस कंपनी से हम बोरो कर रहे हैं, बैंक से सॉरी बोरो कर रहे हैं 5.1%, इसका अब हम लेंगे 3/12, 3/12 ना, क्योंकि 3 मंथ्स में करना है। येस परफेक्ट, हमें ये कोई फिगर, ये कुछ तो फिगर मिली है विच इज ओके, 1 + दिस एंटायर फिगर गिव्स अस से दिस अमाउंट। सो अभी हमें मिली है ये अमाउंट 3,9,964, ठीक है, ये अमाउंट मिली है। हमने फिलहाल के लिए इतनी अमाउंट ली है से, देन लेटर हमें ये पैसा मिला, हमने बैंक को दिया, बैंक ने हमसे ये फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो बाई की, तो अगर बैंक ने हमसे ये फॉरेन करेंसी बाई की तो हमने स्पॉट रेट, हम बैंक के लिए हमेशा स्पॉट रेट देते हैं, बैंक विल सेल एट लो बाय एट हाई, बाय एट हाई यानी कि ये, तो 1 + 8,361। बैंक ने हमें इतने स्टर्लिंग्स दिए फंड करने के लिए, हमारा वर्किंग कैपिटल जो हमने लोन लिया था डॉलर्स में उसके इतना भी मिला है, बिकॉज अभी ये पैसा हमारी बैंक में रहेगा तो अभी हमें इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि हम इस पैसे को जो करेंगे डिपॉजिट इन अ सेविंग्स बैंक और व्हाटएवर सेविंग्स बैंक की, सो इस पैसे में हमें हमें मिल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। डिपॉजिट रेट देखना है, डिपॉजिट रेट ऑफ द बैंक इज ऑफ आर बैंक, क्योंकि अब हम यूके में आ चुके हैं, 4.5% इंटू 3/12 ब्ला ब्ला ब्ला, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड नहीं करेंगे, आंसर 2,175,30। पर चेक कर लेता हूँ आंसर, शुड बी प्रीटी श्योर, मैंने फॉरवर्ड का आंसर देख लिया था, ये था मनी मार्केट का। सर मनी मार्केट है लिखा हुआ है, अच्छा अब मैंने वादा किया था फॉरवर्ड मार्केट का, पहले मैं इसका फॉरवर्ड मार्केट कर लेता हूँ क्योंकि ये माइंड में फिलहाल फ्रेश है। तो फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि आज का स्पॉट रेट 3 महीने बाद तो ओल्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 3 महीने बाद, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड मार्केट, तो 3 महीने बाद का जो रेट है
वो हमारा 3 महीने बाद का स्पॉट रेट बन जाएगा ऑन द स्पॉट रेट, है ना, ऑन द स्पॉट रेट बोलते हैं उसको, लाइक ऑन द स्पॉट क्या वैल्यू है ऐसे। तो 3 महीने बाद का रेट हमारा उस दिन का स्पॉट रेट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे लेट्स अज्यूम की वैल्यू थी 4 लाख डॉलर्स, 4 लाख डॉलर्स थी, डॉलर नहीं डॉलर्स, पाउंड्स का क्या होगा हमको भी नहीं पता। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पाउंड आएगा, यहाँ ये वाला पाउंड तो हमें ढूंढना है, तो ये वाला अमाउंट तो हमको भी नहीं पता कितना होगा। नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे 3 महीने बाद का जो रेट है वो हमारा स्पॉट रेट बनेगा, और स्पॉट रेट कौन यूज करता है, बैंक यूज करती है, और बैंक क्या करेगी हमसे डॉलर लेगी और हमको स्टर्लिंग देगी, सो बैंक विल बाय द डॉलर, बैंक ऑलवेज बायज एट हाई, तो 1.8452। तो बैंक का आंसर आता है 1216778.7, इधर आया आंसर 2167797, 8.7, हाँ ठीक है, 0.03 का डिफरेंस, दैट्स ओके। लास्ट में यहाँ पे भी ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें पेमेंट करना था, सो मैंने मेरी बैंक से लोन लिया था पे करने के लिए, मैंने कहीं ना कहीं उनको स्टर्लिंग दिए थे डॉलर्स मिलने के लिए, ठीक है, तो बैंक ने सेल किया था मुझे, सेल बैंक और ये सेल्स एट लो, ठीक है। जो पेमेंट करना कितने का था, मुझे पेमेंट करना था 4 लाख 50 का, ये भी ये फिगर क्या है, मैं तो वही ढूंढ रहा हूँ। पाउंड तो हमेशा एक ही रहता है क्योंकि हम मतलब होम करेंसी ऑलवेज द बेस, तो हम एक अज्यूम करके चलते हैं। 3 महीने बाद का वैल्यू विल बी दैट रेट, दैट डे स्पॉट रेट। तो फॉरवर्ड मार्केट इज बेसिकली कि अगर हमने ये सब झंझट माई नहीं की मनी मार्केट की, तो हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या मतलब लॉस हो रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें खाली देखना रहता है। जैसे कि यहाँ पे रिसीट है ना, यहाँ पे हमें इस बारे में फायदा हो रहा था मनी मार्केट में, तो ये सब झंझट मारने की जरूरत थी क्योंकि हमें फायदा हो रहा था, और यहाँ पे क्या हमें झंझट मारने की जरूरत है, वही हम खाली यहाँ पे चेक करेंगे। बैंक विल ऑलवेज बाय एट हाई एंड सेल एट लो, सेल एट लो माने ये फिगर, क्योंकि अब मैं पेमेंट देख रहा हूँ 1.6092, सॉरी 690, 690, टू 6624.07, द आंसर इज, और द आंसर इज 2662.41, हाँ 2.47, ठीक है सही है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना झंझट मारी करने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी फॉरवर्ड में, क्यों, क्योंकि ये हम पे कर रहे थे, यहाँ पे हमें ज्यादा पे करना पड़ा है मनी मार्केट के थ्रू, विच इज 99 डॉलर, विच इज ऑलमोस्ट 100 डॉलर, हमें हमें ज्यादा पे करने पड़ रहे थे मनी मार्केट में, तो हमें झंझट मारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे यहाँ पे हमें ज्यादा पैसे मिल रहे थे, ये तो रिसीट का सम था ना, यहाँ पे हमें 751 रुपीज ज्यादा मिल रहे थे, तो यहाँ पे झंझट मारी करने की जरूरत थी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सॉरी अगर ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया या रिपीटेटिव हो गया, बट आई ट्राई टू मेक इट एज स्लो एंड एज अंडरस्टैंडिंग एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय।